हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल CIM डिज़ाइन। आज जो हम इसमें इस वीडियो में बात करेंगे वो हम इन्वेंटर सॉफ्टवेयर में और इंजन ब्लॉक बनाकर हम आपको दिखाएंगे। ये इंजन ब्लॉक मैं आपको इन्वेंटर सॉफ्टवेयर में कैसे बनाएंगे, इसमें क्या क्या कमांड्स यूज होंगे, ये सारे कमांड्स मैं आपको इसमें बताऊँगी। सबसे पहले ऐसा जो हमें ड्राइंग में दिख रहा है, इसमें आपको क्लियरली शो हो रहा है कि ये जो डायमेंशंस है वो इंचेज में है, तो हम इसके सबसे पहले यूनिट सेटिंग करेंगे। यूनिट सेटिंग के लिए आप टूल्स में जाओगे, टूल्स में आपके पास ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट सेटिंग का। डॉक्यूमेंट सेटिंग पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ आपके पास यूनिट ऑप्शन आता है। आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो कि आपको इंच में चाहिए, मिलीमीटर में चाहिए, मीटर में चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, मुझे यहाँ ड्राइंग में आपको सबसे पहले हम अगर बेस से स्टार्ट करते हैं तो बेस के लिए मेरे पास ये दोनों ड्राइंग है जिससे हम बेस बना सकते हैं। तो इसको पहले मैं जूम कर लेती हूँ। तो बेस बनाने के लिए हमारे पास ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का साइज आपको दिया हुआ है 5.5 × 4। तो इसमें हम रेक्टेंगल जो लेंगे वो हम सेंटर रेक्टेंगल लेंगे। सेंटर रेक्टेंगल इसलिए बिकॉज आप सेंटर से कोई भी चीज़ आप ओरिजिन से स्टार्ट कर सकते हो। तो प्लेन लेने के लिए आप इसमें कोई सा भी प्लेन सेलेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ अब आप जो भी चीज़ें स्टार्ट करोगे वो मैक्सिमम आप ट्राई करना कि वो आप सेंटर से लो। तो सेंटर से अगर मैं यहाँ से ले रही हूँ तो इसमें मैं डायमेंशन पुट करूँगी 5.5 × 4। तो मैंने यहाँ पे 5.5 टाइप किया, टैब 4, ये आपका रेक्टेंगल बन गया। अब इसमें मुझे जो कॉर्नर में फिलेट देना है वो आपको क्लियरली यहाँ पे शो हो रहा है। ये जो फिलेट मुझे देना है ये मुझे रेडियस 0.50 का करना है। तो इसके लिए हम फिलेट में जाएंगे, यहाँ से मैंने फिलेट रेडियस टाइप किया और फिर मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया। सेम मुझे यहाँ पे जो सर्कल बनाना है उस सर्कल की डायमेंशंस आपको यहाँ दी हुई है 4 × dia.397। थ्रू का मतलब होता है ये ओवरऑल, डेट मीन्स कि ये रेक्टेंगल की जितनी भी हाइट होगी, और हाइट आपको इसमें क्लियरली दिख रहा है ये हाइट है, दैट मीन्स 0.750। तो ये थ्रू डेट मीन्स कि इस होल की भी जो कटिंग होगी वो 0.750 ही होगी। तो हम सर्कल बनाएंगे डाया, अभी आप डाया में ही काम कर रहे हो, 0.397। अब इसी सर्कल को मुझे चारों तरफ करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सर्कल्स बनाओ या फिर आप इसे एरे कर सकते हो। एरे करने के लिए आपको इसके बीच का गैप देना होगा, बीच का गैप आपको दिया हुआ है यहाँ पे आपको 3। इसके लिए हम पहले ही सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर कमांड लेने के बाद भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले मैंने कमांड लिया, यहाँ आपको क्लियरली शो हो रहा है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री डेट मीन्स मैंने ये सर्कल सेलेक्ट किया। डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए आप कोई एक लीनियर एज दिखा सकते हो, तो उसके लिए या तो आप कोई एक्सेस दिखाओ या फिर आप कोई भी एक लाइन दिखा सकते हो। तो मैंने ये लाइन सेलेक्ट किया। अब इनके बीच का ये जो गैप है ये मुझे 3 देना है, तो ये 3 पे आपका एग्जैक्टली चला गया। सेम मुझे इस साइड में जाना है तो डायरेक्शन 2 में भी क्लिक करके आप ये क्लिक कर सकते हो, और इन दोनों के बीच का जो गैपिंग होगा वो आप देखो कि सेंटर आपका 4.5 आपको दिया हुआ है, तो आपने यहाँ पे वैल्यू टाइप किया 4.5। ओके, एक चीज और पैटर्न में आप ध्यान रखना, इन्वेंटर में आप यहाँ मोर ऑप्शंस पे जाओगे, यहाँ एसोसिएटिव ऑन है। एसोसिएटिव डेट मीन्स कि आप इस चीज को कभी भी एडिट कर सकते हो, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके मैंने किया। अब अगेन मैं गया, अगर इसमें पैटर्न में मुझे डिस्टेंस चेंज करना है तो मैंने ये सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है, आप राइट क्लिक जैसे ही करोगे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है एडिट पैटर्न। एडिट पैटर्न पे आप जब क्लिक करोगे तो आप अगेन यहाँ पे चेंज कर सकते हो डायमेंशन, बट अगर आपका एसोसिएटिव ऑफ होता है तो वो चीज आपकी एज अ सिंगल काउंट होगी, इसमें फिर आप एडिट नहीं कर सकते, आपको डिलीट करके ही काम करना होगा। ये देखो आपको एडिट पैटर्न का ऑप्शन नहीं आ रहा। अब इन्वेंटर में आप अलग अलग हाइट पे, आप एक ही स्केच से अलग अलग हाइट पे आप एक्सट्रूड कर सकते हो, तो इसके लिए हम 2D जो हमें एक्सट्रूड करना है हाइट पे, हम वो भी चीजें अभी ही बना लेंगे। दैट मीन्स ये जो प्रोफाइल है ये हम अभी बना लेंगे।
मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया 2.75 डाया का, जो आपको यहाँ दिया हुआ है। आउटर सर्कल का जो डाया है वो आपको यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो आप इसे चेक कर सकते हो। बिकॉज ये आपका टॉप व्यू है, तो ये आपका बॉटम व्यू है। यहाँ पे आपको क्लियरली शो किया हुआ है, आप यहाँ देख लो कि ये जो आपका डायमेंशन है, ये आपका डाया 3.550 का है। अब मुझे ये चीज ड्रॉ करने के लिए मुझे एंगल पे देना होगा, तो एंगल के लिए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है कि 4 इक्वली में है, तो ये अप्रोक्स आपका 45 डिग्री में है। तो 45 डिग्री के लिए आपने यहाँ सेलेक्ट किया। आपको लाइन की लेंथ अगर आपको देनी है, तो यहाँ से आप इसकी रेडियस एंड प्लस आप आउटर जो सर्कल है यहाँ पे आप उसकी डाया है, तो आप इसका रेडियस ऐड करके एग्जैक्ट उसी लाइन का बना सकते हो। बट मैंने क्या किया कि आप नॉर्मली लाइन ड्रॉ कर लिया, अब फिर हम उसको ड्रॉ करेंगे। लेंथ मैंने कितनी भी रखी, यहाँ पे आप टैप दे दो। लेंथ मैंने 2.5 दिया। नाउ अब ये मुझे लाइन नहीं चाहिए, कंस्ट्रक्शन लाइन में चेंज करना है, तो आप यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन पे क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज हमें इसे डिलीट करना है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो हमें यहाँ पे सर्कल बनाना है। आप यहाँ सेम इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है, आप इंटरसेक्शन पे क्लिक करोगे और आप यहाँ पे जो डायमेंशन दोगे वो आपको दिया हुआ डाया 0.750। तो मैंने 0.750 का डायमेंशन दिया। एंड जो स्मॉलर है, स्मॉलर सर्कल, डेट मीन्स यहाँ आपको दिख रहा है ये स्मॉलर सर्कल है, इसकी जो डायमेंशन है ये 4 × डाया 0.272। डेट मीन्स कि इन जो छोटा सा सर्कल है उसका डाया 0.272 है, वो डीप है 0.834। डेट मीन्स वो कट इतना डीप है। ये जो आपकी डायमेंशन है ये आपकी थ्रेडिंग कंडीशन होती है, यूनिफाइड थ्रेडिंग कंडीशन, जो इसके पिच वगैरह को आपको डिस्क्राइब करता है। तो जब हम ये थ्रेडिंग करेंगे उस केस में हम ये देखेंगे। अभी जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो डाया 0.272 है। अब इसे स्केच में आप ये देखोगे कि एक ब्लू कलर में है, ग्रीन कलर में है। ब्लू और ग्रीन का इसमें क्या होता है, आप अगर आपका ब्लू है डेट मीन्स ये फुल्ली डिफाइंड स्केच है। फुल्ली डिफाइंड मतलब ये आपका अपनी पोजिशन पे है सारी चीजें, सबके मैंने डायमेंशन दी है, तो डायमेंशन भी एक तरह का कॉन्स्टेंट होता है। सर्कल अभी ग्रीन है, डेट मीन्स कि ये जो सर्कल है जिसको मैंने ऐड किया था, तो ये एसोसिएटिव मैंने ऑफ कर दिया था। डेट मीन्स इस सर्कल से इसका कोई लिंक नहीं है, डेट्स वाई ये ग्रीन है। अभी इसको कंस्टेंट करना है। अगर ब्लू आपको फुल्ली डिफाइन करना है, तो आप यहाँ से डायमेंशन लोगे। डायमेंशन देने के बाद आप इसका सेंटर पॉइंट फिक्स करोगे, तो सेंटर पॉइंट मैंने यहाँ से ये फिक्स किया, तो ये देखो ये आपका ब्लू हो गया। डेट मीन्स ये मेरा फुल्ली डिफाइंड स्केच हो गया। Now, अब इसे मुझे एरे करना है अगेन, तो इसमें मैं पोलर एरे लूंगी, सर्कुलर एरे। ज्योमेट्री मुझे इसे और इसे करना है। एक्चुअली मुझे इसमें फिलेट भी करना है, जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है ये फिलेट है आपका रेडियस 0.50 का। तो पहले मैं रेडियस भी दे देती हूँ, आफ्टर डेट पैटर्न करने में फिलेट भी आपका कंसिडर हो जाएगा। फिलेट दिया मैंने 0.50 ऑलरेडी है मेरा। Now, अब यहां से मुझे पैटर्न करना है, तो यहां से सर्कुलर में गए, ज्योमेट्री में मैंने ये भी सिलेक्ट किया। एक्सिस, इसमें जो एक्सिस हम लेंगे वो ये सेंटर पॉइंट लेंगे। अब मुझे इसमें 360 में 4 चाहिए। अब एक चीज आप इसमें ध्यान देना कि आप मान लो अगर मैंने यहां से एसोसिएटिव ऑफ नहीं किया, तो वो पार्ट ट्रिम नहीं होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। लाइक मैंने ओके कर दिया, मान लो आपको ये चीज ट्रिम करनी है, तो आप ट्रिम जब करोगे तो ये चीज ट्रिम नहीं होगी, बिकॉज ये एसोसिएटिव है। डेट मीन्स कि आप उस लैंग्वेज में कर सकते हो कि ये एक दूसरे से ज्वाइंड है, तो उसके लिए आपको एसोसिएटिव ऑफ करना पड़ेगा, आफ्टर डेट ही कर सकते हो। तो एसोसिएटिव के लिए आपको मैंने बताया है, आप जो भी आप जिसको पैटर्न किया आपने ये सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, आप एडिट पैटर्न में जाओ, आप यहाँ से एसोसिएटिव ऑफ कर दो। अब आप ट्रिम करके देखो, अब आपका ये ट्रिम हो जाएगा। ओके, नाउ ये मेरा ड्राइंग क्लियर हो गया। अब मुझे जो एक्सट्रूड करना है वो बेस को है 0.750, एंड जो मेरा ये जो प्रोफाइल है इसको मुझे जो एक्सट्रूड करना है वो मुझे यहाँ पे हाइट दी हुई है, ये आपका 5 दिया हुआ है। दोनों ग्राउंड कंडीशन में ही है,
करने के लिए आप क्या करोगे, कोई भी आप लाइन पे आप राइट क्लिक करो, यहाँ आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं या फिर आप अलग से भी जा सकते हो। तो आपने एक्सट्रूड किया, एक्सट्रूड में बेस आपका है 0.750, तो मैंने यहाँ पे यहाँ से आप वैल्यू दे दो 0.750। इसमें आपके ऑप्शंस आते हैं न्यू सॉलिड कट इंटरसेक्ट, ये तब आप यूज करोगे जब आपको किसी बॉडी से कट करना होगा। अभी ये न्यू सॉलिड की तरह ही होगा, ये डायरेक्शन 1, 2, 3 इनके लिए है। डेट मीन्स कि आप एक डायरेक्शन में आपको कर सकते हो या बोथ डायरेक्शन में कर सकते हो। अभी अगर मैं इसे एज अ प्लेन मानती हूँ तो मैं अभी सेम डायरेक्शन 1 में ही करती हूँ, 0.750। ओके, अब मुझे दूसरे को एक्सट्रूड करना है, तो सेम ये जो स्केचिंग है ये आपकी रिमूव हो गई। तो स्केचिंग को लाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ एक्सट्रूजन पे जाओगे, यहाँ आपको स्केच शो हो रहा है, राइट क्लिक करो और यहाँ से आप विजिबिलिटी ऑन करना। आफ्टर डैट जो भी आपका स्केच है उस पर एक्सट्रूड किया, एंड देन मुझे ये जो पार्ट है जो क्लोज स्केच है उसमें मैंने क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली कट ले लेता है। तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, डेट मीन सारी बॉडी आपको एक ही रखनी है, तो आपने ज्वाइन कर दिया। और यहाँ पे आप वैल्यू दे दो, टोटल आप ग्राउंड से ही दे रहे हो और ये वैल्यू भी आपके ग्राउंड से ही है, तो आपने यहाँ पे 5 दे दिया। नाउ ये जो आपको दिख रहा है कि डार्क 0.272 का जो है वो 0.834 तक ही कट है, तो इसको हमें 0.834 तक ही इसको कट करना है। तो सेम एक्सट्रूड में जाएंगे, यहाँ से आप कट ले लो, आप ये सेलेक्ट कर लो जिस चीज को आपको करना है। कट करने के बाद 0.834 आपने यहाँ टाइप किया, यहाँ से ओके ओके। नाउ अब जो हमें बनाना है वो हमें ये जो सर्कल है, ये सर्कल बनाने के लिए आपको क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि ये आपका 0.125 नीचे है, उसके लिए हमें प्लेन लेना होगा। प्लेन लेने के लिए आप यहाँ से सेलेक्ट करो और यहाँ से आप ऑफसेट फ्रॉम प्लेन ले सकते हो। ऑफसेट फ्रॉम प्लेन लेते ही आपको यहाँ पे डिस्टेंस देना होगा 0.125, ये आपने यहाँ दिया। ये डायरेक्शन आप चेक कर लेना, डायरेक्शन आपका किस तरफ है। आफ्टर दैट डायमेंशन में आप माइनस देना, तो माइनस दोगे तो आपका यह डाउनवर्ड में जाएगा, आपने यह माइनस देकर यहाँ पे ओके किया। आफ्टर डैट इस प्लेन पे स्केच करने के लिए सेलेक्ट करो, आप यहाँ से क्रिएट स्केच कर सकते हो। सर्कल का जो डायमेंशन है वो डायमेंशन आपको क्लियरली शो हो रहा है, ये आपको दिया हुआ है डाया 5.5 का, तो मैंने यहाँ पे डाया 5.5 का एक सर्कल बनाया। देन मैंने इसे एक्सट्रूड किया, एक्सट्रूड करने से पहले एक और आप सर्कल बना दो, बिकॉज ये बीच में हॉलो है, तो सेम हॉलो चीज को आप बना सकते हो या फिर आप यहाँ से प्रोजेक्ट ज्योमेट्री भी कर सकते हो। तो स्केच में आप जाओगे, प्रोजेक्ट ज्योमेट्री में आप सेलेक्ट करो और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट ज्योमेट्री आती है, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ज्योमेट्री अपने आप ही आपको नीचे बन जाएगी, आपको दोबारा स्केच नहीं करना पड़ेगा। देन आप इसे एक्सट्रूड कर सकते हो, एक्सट्रूड करने के लिए आप एच लो, आपका ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, बिकॉज मैंने जो 0.125 लिया था वो ऊपर के एज तक ही है, जो नीचे की तरफ आप जाओगे वो 0.125 ही जाओगे, तो 0.125 डायरेक्शन इसका नीचे की तरफ है, डेट्स वाई आप डायरेक्शन 2 में क्लिक कर दो। आप इसे मर्ज भी कर सकते हो और न्यू सॉलिड भी कर सकते हो। अब मुझे इस प्लेन की जरूरत नहीं है, राइट क्लिक करके आप इसकी विजिबिलिटी ऑफ कर सकते हो। नाउ अब इसी सर्कल को मुझे पैटर्न करना है, तो पैटर्न करने के इसके बीच का जो गैप है ये आपको यहाँ दिख रहा है, आपको 0.375 दिया हुआ है। बट एक चीज आप मेंशन ध्यान देना कि यहाँ पे आपका जो डायमेंशन दिया 0.375 वो ऊपर वाले एज से दिया हुआ है नीचे वाले एज तक, आपको जो देना होगा वो आप सेम 0.375 है। अगर आपको सपोज कि आपको बीच का गैप निकालना होगा तो आप इसमें 0.125 माइनस कर देना। तो सेम अभी जो मैं यहाँ पे पैटर्न करूँगी, पैटर्न करने के लिए आप सेम लीनियर पैटर्न पे आप जाओगे, फीचर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो इस फीचर को, या फिर आप यहाँ से भी ले सकते हो। देन यहाँ से आपको डायरेक्शन शो करना होगा, डायरेक्शन शो करने के लिए आप यहाँ डायरेक्शन पे क्लिक करोगे, आप कोई भी लीनियर एज, मैं ये एज ले सकती हूँ, डायरेक्शन ऊपर की तरफ है आप नीचे की तरफ करो और यहाँ पे आप वैल्यू दे दो 3.375। नाउ यहाँ पे आइटम जो है वो आपका ये 9 है, तो आप यहाँ से आइटम दे दो 9।
अब एक चीज और आप देखो कि मर्ज करने से आपका ये जो आपका एज है वो आपका यहाँ पे मर्ज हो गया और उसी शेप में है, जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे हो। तो यहाँ से मैंने ये चीज ओके की। आप यहाँ से एसोसिएटिव वगैरह ऑफ कर सकते हो, वो आपका 2D में आएगा। एंड देन यहाँ से आप ओरिएंटेशंस और ये चीज है, नेक्स्ट आप वीडियो में उसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। यहाँ पे आप ओके कर दो ना। अब जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ एजेस आपका कट है जितने में आपका ये पार्ट है, तो इसके लिए मुझे ये जो सर्कल्स है आफ्टर 2 सर्कल, ये आपको क्लियरली यहाँ शो हो रहा है, आफ्टर 2 सर्कल आपको ये चीजें कट करनी है। तो इसके लिए या तो हम यहाँ पे प्लेन ले सकते हैं या फिर हम इसी प्लेन पे स्केच कर सकते हैं। तो अगर मैं इसी प्लेन पे स्केच करती हूँ तो उसके लिए आप इस प्लेन पे जाओगे और यहाँ से क्रिएट स्केच करोगे। इस व्यू में आपको क्लियर नहीं दिखेगा, डेट्स वाई आप टॉप व्यू से क्लियरली देख सकते हो। आपको इस सर्कल के टेंजेंसी में आपको ये चीज कट करनी है। आप यहाँ देख सकते हो एप्रोक्स आपका इसी के टेंजेंसी के अराउंड में आ रहा है। तो इस केस के लिए कि मुझे यहाँ पे प्रोजेक्ट ज्योमेट्री यूज करना होगा, प्रोजेक्ट ज्योमेट्री मैंने लिया, मैंने इसको किया, देन इस एज को भी किया, अगेन मैंने ना यहां से मैंने लाइन क्रिएट किया, मैंने एक लाइन ये बनाया, अगेन एक लाइन मैंने इस साइड बनाया और मैंने इन दोनों को टेंजेंट किया। ना टेंजेंसी के बाद ये चीज मेरा ऑलरेडी है, इसको हम एक्सटेंड कर देंगे बिकॉज ये जो पोर्शन है वो मुझे यहां तक चाहिए। तो आइदर आप इसको भी प्रोजेक्ट ज्योमेट्री यूज कर सकते हो, आप ये जो एजेज है क्योंकि हमें ये चीज हटानी है तो हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे। यहाँ से आप इसे वायर फ्रेम में करके और फिर आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हो, आप हिडन एजेज में देख सकते हो। तो मैंने ये आपका प्रोफाइल बनाया है, इसको हम यहाँ से कट करेंगे। तो एक्सट्रूड जाने पे ये देखो आपका ये कट का ऑप्शन आ रहा है, डायरेक्शन मेरा सही है, जितना भी आप नीचे ले जाओगे आपका ये चीज कट हो रहा है। यहाँ से आप कट पे क्लिक कर दो, आप यहाँ से डायरेक्शन 2, यहाँ से आप ओके, ये मेरा कट हो गया। सेम कट को आपको दूसरी तरफ ले जाना है, ये देखो आप ये मेरा कट हुआ है, सेम कट को मुझे दूसरी तरफ ले जाना है। तो सेम एक्सट्रूड को हम लेंगे जिससे मैंने कट किया है। यहाँ आपके पास ऑप्शन आता है मिरर का, तो आप इस चीज को मिरर कर सकते हो। यहाँ आपके पास ऑप्शन है मिरर, मिरर में हम गए, फीचर्स ऑलरेडी सेलेक्टेड है, मिरर प्लेन में आप वो प्लेन लोगे जो इसके मिड में है, एक्स जेड प्लेन आपके मिड में है, यहाँ से हम इसे ओके करेंगे। सही ओके ना। अब जो मेरा पार्ट है वो मेरा ये पार्ट है जो मुझे बनाना है, और इसकी डायमेंशन आपको यहाँ भी कुछ दी हुई है और कुछ डायमेंशन आपको यहाँ दिए हुए हैं। तो हम पहले ये बनाते हैं, इससे मैं जल्दी से बना लेती हूँ। ये बनाने का आपको पता ही होगा कि आपको मैक्सिमम डायमेंशन आपको दी हुई है कि यहाँ से नीचे से ऊपर कितना जाना है, तो ये सारी चीजें मैं अभी क्रिएट कर देती हूँ। तो इसमें हमने हिडन एजेस करके मैंने ये चीज आपको बना ली। होल्स मैंने इसलिए नहीं बनाया बिकॉज सबके अलग अलग कट्स हैं। तो अभी मैं क्या करूंगी, इसको अभी मैंने एक्सट्रूड किया, एक्सट्रूड करने के लिए आप फिनिश भी कर सकते हो। अब सेम राइट क्लिक मैंने किया, यहां से एक्सट्रूड, एक्सट्रूड के लिए आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आपको किसको करना है, मुझे इसे करना है तो मैंने ये चीज एक्सट्रूड की। डायरेक्शन अभी मैं इस तरफ ले लेती हूँ, आपको दिया हुआ है 2.150 का एक्सट्रूड है, तो मैंने यहाँ पे मर्ज ऑप्शन ऑन रखा, 2.150 का मैंने यहाँ से दे दिया। ओके अगेन जो दूसरा वाला एक्सट्रूड है इसको भी स्केच की विजिबिलिटी आप ऑन करो, एंड देन राइट क्लिक एक्सट्रूड,
ये जो फेस है आपका, ये आपका जो एक्सट्रूड है ये भी आपका 2.150 का एक्सट्रूड है, तो मैंने सेम सेलेक्ट किया और यहाँ से 2.150 आपका ऑलरेडी दिया हुआ है। डायरेक्शन आपका दूसरी तरफ कर दो आप डायरेक्शन टू, और मर्ज ऑप्शन ऑन रखो, मर्ज ऑप्शन आपका ये है। तो ये आपका एक प्रोडक्ट बना। अब मुझे इसमें होल करना है, पहले मैं विजुअलिटी आपका नॉर्मल कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। ओके, स्केच की विजिबिलिटी ऑफ। नाउ अब ये जो सर्कल है, इस सर्कल में आपको ये सेक्शन व्यूज में आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ दो सर्कल है और ये एक सर्कल है जिसकी डीप आपको दी हुई है। तो ये जो सर्कल है आपको ये दिया हुआ है कि 0.213 का डीप 0.607 है, और ये मैंने आपको पहले भी बताया था ये यूनिफाइड थ्रेडिंग कंडीशन होते हैं जो आपका थ्रेडिंग के लिए यूज होता है। तो अभी हमने अगर ये दो सर्कल बनाया तो ये दो सर्कल जो आपका कट है इसमें आपको क्लियरली ये दिया हुआ है 0.750 थ्रू, डेट मीन्स की होल टोटल है, और 0.010 का डीप 0.125 ही है। तो उसे बनाने के लिए आप इस पर स्केच कर दो। ये मैंने आपका दो सर्कल बना दिया है। अब इसको कट करने के लिए अगर आप आउटर का कट करते हो तो ये आपने सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड लिया, ये जो आपका कट है ये आपको दिया हुआ है 0.125, तो आप यहाँ से वैल्यू दे दो 0.125 और यहाँ से ऑलरेडी कट है। ओके, एंड अगेन ये जो आपका है एक्सट्रूड, यहाँ से आप विजिबिलिटी ऑफ स्केच शो करो। ये जो आपका कट है ये थ्रू है, तो आप इसे फ्री हैंड से भी ले सकते हो। ओके, नाउ अब हम इस स्केच की विजिबिलिटी को ऑफ कर सकते हैं। आप मुझे ये जो आपका डाया 0.213 का आपका है ये मुझे बनाना है। ये मैंने 0.13 का बनाया और ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसे भी हम पैटर्न कर सकते हैं। डायमेंशन 1.750 इनके बीच का गैप है और यहाँ पे 1.250 का। तो ये मेरा जो कट है वो 0.607 है, तो मैंने यहाँ से 0.607 का कट किया। आफ्टर डेट हम इसी को पैटर्न कर सकते हैं। सेलेक्ट किया मैंने यहाँ से पैटर्न, फीचर्स आपका ऑलरेडी सेलेक्टेड है, अगर नहीं आप कर सकते हो। देन यहाँ से डायरेक्शन, डायरेक्शन वन में मैंने ये डायरेक्शन दिया, ये डायरेक्शन एरो इस तरफ आ रहा है, आप रिवर्स करो। और इसमें जो आपका गैपिंग है ये आपको दिया हुआ है 1.250, तो यहाँ आपने दे दिया 1.250। देन डायरेक्शन टू वो मैंने इस तरफ शो किया और इसमें जो गैपिंग है आपको दी हुई है 1.750। नाउ ओके, सॉरी डायमेंशंस आपकी गलत हो गई है। एडिट फीचर हम करेंगे, यहाँ आपकी 1.250 ही है, तो यहाँ मैंने 1.250 का ही गैपिंग किया। ओके, नाउ ऑल स्केच को हम विजिबिलिटी ऑफ कर देंगे। सी ये मेरा बन गया। अब मुझे इसी चीज़ को मिरर करना है, तो आप सेम सारी चीज़ों को ले सकते हो मिरर के लिए। तो पहले हम यहाँ से मिरर करते हैं। मिरर के लिए फीचर्स जब आप सेलेक्ट करोगे तो फीचर्स में आपके ये, देन ये एक्सट्रूड भी है आपका अवेलेबल। जितने कट्स आपने किए और जितने एक्सट्रूड किए हैं वो सारे आप सेलेक्ट कर लो। देन मिरर प्लेन आपका सेम है, एंड देन ओके, ये देखो ये आपका फाइनल ड्राइंग है जो आप एग्जैक्टली ये आपका इंजन ब्लॉक है जैसा आपको मैंने यहाँ पे दिखाया। ओके, ये आपको ट्यूटोरियल चाहिए कि आप इन्वेंटर में आप ये चीज़ें सीख पाओ, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।